नमस्कार साथियों, मैं शिवेंद्र यादव, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आइए आज जानते हैं भारत और फिलीपींस के बीच हुए ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर नए डील के बारे में। भारत लंबे समय से हथियारों का आयातक रहा है, लेकिन अब बारी है कि भारत अब हथियारों का निर्यात भी करेगा। इसी दिशा में एक बड़ा करार फिलीपींस के साथ किया गया है। फिलीपींस की नौसेना के लिए भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों को बेचेगा। ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात के लिए यह एक बड़ा विदेशी ऑर्डर है। फिलीपींस इन ब्रह्मोस मिसाइलों को अपनी नौसेना के लिए खरीद रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने एक साथ मिलकर विकसित किया है। ब्रह्मोस मिसाइल इस समय दुनिया के सबसे तेज और घातक क्रूज मिसाइल है। अगर ब्रह्मोस मिसाइल के नाम की बात करें, इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मोस सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है, जो वर्तमान में 2.1 मैक यानी कि ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना रफ्तार से जा सकती है। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने सुखोई फाइटर जेट से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद को लेकर भारत के साथ लगभग 2800 करोड़ रुपए में एक करार किया है। चीन के आक्रामक रवैये को झेल रहे फिलीपींस ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद का करार करके चीन को एक बड़ा झटका दिया है। चीन का एक और पड़ोसी देश वियतनाम भी भारत से यह मिसाइल सिस्टम खरीद सकता है, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ फिलीपींस के अधिकार क्षेत्र को लेकर भी विवाद चल रहा है। तो हो सकता है कि ऐसे में फिलीपींस भारत की इन ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीद कर अपने तटीय इलाकों में तैनात कर दे। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और भविष्य में ब्रह्मोस 2 मिसाइल लाने की भी योजना है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल होगी और इसमें स्क्रैमजेट इंजन का यूज किया जाएगा, जिससे इसकी गति मैक 7 यानी कि लगभग 8000 किलोमीटर प्रति घंटे तक इसकी रफ्तार पहुंच जाएगी। इसे जहाज, पनडुब्बी, विमान या जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से दागा जा सकेगा। अगर हाल ही में हुए ब्रह्मोस मिसाइल के टेस्टिंग की बात की जाए, तो जनवरी 2022 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक विस्तारित रेंज को समुद्र से समुद्र संस्करण का परीक्षण INS विशाखापत्तनम से किया गया था। इसके साथ ही अप्रैल 2022 में भारतीय नौसेना तथा अंडमान और निकोबार कमांड द्वारा संयुक्त रूप से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक एंटी शिप संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। भारत और फिलीपींस के बीच हुए इस करार की मदद से चीन के बढ़ते दबदबे को कम किया जा सकेगा। चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये को देखते हुए बाकी और भी हमारे मित्र देश हैं जो ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने की इच्छा जता चुके हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।